नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान धीमा है, हाईवे में मवेशियों के झुंड विचरण करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम द्वारा अभियान को गति दी जा रही है, लेकिन नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। नगरीय निकाय व जनपद पंचायतों की सड़कों में ऐसे मवेशी सड़क पर मिले जिनके टैग लगा हुआ था। प्रशासनिक दावों के मुताबिक पशुओं को खुला छोड़ने वाले पशुपालकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर कार्यवाही की जा रही है। नगरीय निकाय की टीम आवारा पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में पहुंचा रही है। आवारा पशुओं की धरपकड़ के अभियान के तहत रीवा हनुमाना मार्ग से आवारा पशुओं को पकड़कर नगर निगम तथा MPRDC की टीम द्वारा सिरखिन्नी गौशाला भेजा गया। नगर परिषद चाघाट तथा हनुमाना में भी आवारा पशुओं की धरपकड़ की गई। रीवा नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में अभियान चलाकर आवारा पशुओं को पकड़ा गया। वार्ड नंबर 20 प्रकाश चौराहा तथा स्टैचू चौराहा से कई आवारा पशुओं को पकड़ा गया। नगर निगम ने 11 आवारा पशुओं के पकड़कर चोरगढ़ी गौशाले में भिजवाया। पकड़े गए को वर्षों के लिए चारा भूसा और पानी की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस में 30 पशुपालकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिए गए हैं। पशुओं के टैग के आधार पर पशुपालकों की पहचान की गई है। वहीं जवा जनपद एवं ढबौरा नगर परिषद में जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यवाही जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। आवारा पशुओं की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, पर जवा तहसील वह नगर परिषद ढबौरा के सक्षम अधिकारियों को न तो दिखाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है। गौशाला का तो कल ही हमने दोनों CEO को पत्र जारी किया है कि गौशाला का निर्माण जो है शीघ्र कराया जाए, लेकिन गौशाला में जो कैपेसिटी है उसके अनुसार हम लोग रख रहे हैं, ज़्यादा भी रख रहे हैं, किंतु जब तक जो है जनजागरूकता नहीं आएगी, लोग जो है अपनी पशुधन के प्रति जो है स्वयं सजग नहीं होंगे, तब तक जो है इसमें काफ़ी कठिनाई सर। तहसील स्तर पर 34 गौशालाएँ हैं, जिसमें मतलब कि कुछ गौशालाएं ऐसी हैं कि जो कागजों में बनी है और जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर क्या करेंगे सर? उसमें कई चीज़ों की जांच चल रही है अभी जी। अभी जो है माननीय विधायक जी के शिविर में भी इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं, तो उसकी जांच करके कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसकी कार्रवाई।